नाम, दिस इज माई यूट्यूब चैनल द आयल्स इनसाइडर एंड दिस इज रीडिंग पैसेज 3 ऑफ आयल्स. द पैसेज नेम इज हाउ टू मेक वाइज डिसीजन, कैसे हम सही डिसीजन लें. सो इसमें हम 27 to 40 क्वेश्चंस जो हैं एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे किसका किस क्वेश्चन का आंसर क्या है एंड क्यों है. सो पहले 2-3 लाइनें देख लेते हैं भी किस बारे में है टॉपिक. अक्रॉस कल्चर्स विजडम हैज बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड ह्यूमन क्वालिटीज. कहते कितने ही कल्चर्स में, समाज में, परंपराओं में विजडम मतलब समझदारी जो है सबसे एक मेन, रेवर्ड मतलब रिस्पेक्ट करने वाला, एडमायर करने वाला. सो विजडम जो है सबसे ज्यादा सत्कार योग ह्यूमन क्वालिटी है. ऑल्दो द ट्रूथली वाइस मे सीम फ्यू एंड फार बिटवीन, हालांकि जो सचमुच में जो वाइस है, समझदार है, वो बहुत ही कम एंड बहुत ही दूर के बिटवीन भी हो सकता है. एम्पिरिकल रिसर्च एग्जामिनिंग विजडम सजेस्ट दैट इट इजेंट एन एक्सेप्शनल ट्रेट प्रोसेस्ड बाय अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ बियर्डेड फिलोसोफर्स आफ्टर ऑल. एम्पिरिकल रिसर्च का क्या मतलब होता है, जो कि रिसर्च जिसके ऊपर मतलब ऑब्जर्व की हुई है, कितने टाइम पे रिसर्च चल रही थी, ऑब्जर्व्ड जो रिसर्च है ना, स्टडी है, उसने कहते ये बताया है कि जो समझदारी एक कोई अलग से कोई क्वालिटी नहीं है, जो सिर्फ ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले फिलोसोफर्स के पास ही है. सिर्फ हैंडफुल मतलब कुछ बुजुर्ग जो फिलोसोफर्स हैं उनके पास ही है, ऐसा कुछ नहीं है कहते. इन फैक्ट दरअसल द लेटेस्ट स्टडी सजेस्ट दैट द मोस्ट ऑफ अस हैव द एबिलिटी टू मेक वाइज डिसीजन. दरअसल आजकल की जो लेटेस्ट स्टडी है वो ये बताती है कि ज्यादातर जो लोग हैं उनके पास क्षमता है कि वो सही जो है डिसीजन ले सके. 27 to 30 क्वेश्चंस जो हैं वो है एमसीक्यूज टाइप्स. ऑफ चार ऑप्शंस हैं, हमने एक चूज करनी है. कई बार ना एक से ज्यादा भी चूज करनी होती है, तो ध्यान से देखना. राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस 27 to 30. सो कई बार यहाँ पे आ जाता है चूज द करेक्ट आंसर और आंसर्स. सो उस केस में हमारा एक आंसर भी सही हो सकता है, दो आंसर भी सही हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. दैट यू हैव टू सी आफ्टर सर्चिंग द आंसर फॉर द क्वेश्चन. If you like my video, please share and subscribe my YouTube channel, The Isles Insider. देखते हैं 27, the first point. So 27th question देखते हैं. What point does writer make? Writer ने क्या point बनाया first paragraph में से. So first paragraph तो हमने सारा अभी पढ़ा ही है. Wisdom appears to be unique to human race. So उसने तो ये बोला था कि ये कोई यूनिक नहीं है. यूनिक के लिए उसने वर्ड यूज किया था एक्सेप्शनल. सो उसने कहा था ये कोई एक्सेप्शनल ट्रेट नहीं है. सो ये मेरा होगी एलिमिनेट ऑप्शन. अ बेसिक अजम्पशन अबाउट विजडम मे बी रॉन्ग. नॉर्मल जो विजडम समझदारी के रिलेटेड जो कंसेप्ट है लोगों का, वो हो सकता है गलत है. सो ये हो सकता है. कंसेप्ट्स ऑफ विजडम मे डिपेंड ऑन द सोसाइटी वी बिलोंग टू. समझदारी के बारे में क्या ख्यालात हैं, ये कहते डिपेंड करता है आप कौन सी सोसाइटी को बिलोंग करते हो. पंजाबी हो आप, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा वहां पे. देयर इज स्टिल मच टू बी ऑब्जर्व्ड अबाउट द नेचर ऑफ विजडम. कहते अभी भी बहुत कुछ है जानने के लिए कि क्या कैसी है समझदारी. इसके रिलेटेड और भी काफी चीजें कहते अभी हमें ढूंढनी है. सो यस, ऐसा भी कुछ नहीं कहा. बी देखो, बेसिक अजम्पशन जो है विजडम के बारे में फर्स्ट लाइन में बताई है. तो फर्स्ट लाइन में देखो, अक्रॉस कल्चर्स विजडम हैज बीन कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल ह्यूमन क्वालिटी. समझदारी को सबसे ज्यादा सराहने वाला एक ह्यूमन क्वालिटी मानी जाती है. और यहां पे इन्होंने लास्ट में क्या कह दिया, इन फैक्ट द लेटेस्ट स्टडी सजेस्ट. जो लेटेस्ट स्टडी हुई है वो ये बताती है ज्यादातर कहते जो हम हैं लोग उनके पास क्षमता है टू मेक द वाइज डिसीजन गिवन द राइट कॉन्टेक्स्ट. अगर हमें सही जो कॉन्टेक्स्ट पता हो तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं. सो एक बेसिक असम्पशन क्या है कि जो विजडम है ये क्या है, सबसे ही रिस्पेक्टफुल क्वालिटी है. और आगे भी इन्होंने लिखा, ऑल्दो द ट्रूली वाइज मे सीम फ्यूअर एंड फार बिटवीन,
इम्पीरिकल रिसर्च ने क्या बताया था, विजडम सजेस्ट दैट इट इजंट एन एक्सेप्शनल ट्रेट पोजेस्ड बाय फ्यू बियर्डेड फिलोसोफर्स, कि ये कोई ऐसा वक्रा कोई है नहीं क्वालिटी की जो सिर्फ बुजुर्गों के पास ही है, बुजुर्ग मतलब फिलोसोफर्स के पास ही है सिर्फ. दिस इज द आंसर. बेसिक अजम्पशन अबाउट विजडम मे बी रोंग, मे बी खासी विजडम है अगर सही हालात दिए जाए तो. आंसर होगा बी. 28th question says, what does Igor Grossman suggest that ability to make wise decisions, सही decision लेने के लिए जो क्षमता है, इसके बारे में Grossman ने क्या बोला कहते. पहले paragraph में तो है नहीं था, आगे देखते हैं. It appears that experiential, situational and cultural factors, so it appears, experiential क्या होता है, जो किसी बंदे ने observe किया है अपनी आंखों से, देखा है, ठीक है, या सिचुएशनल है हालातों पे है, या कल्चरल फैक्टर कि आप किस समाज को बिलोंग करते हो, आर इवन मोर पावरफुल, कहते ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं इन शेपिंग विजडम, कि आपकी समझदारी कितनी हो कैसी हो, देन प्रीवियसली इमेजिन, जैसे पहले सोचा गया था उससे, कहते ये फैक्टर्स कहीं ज्यादा कहते पावरफुल है. ये Grossman ने बताया. ये देखो जब भी आपके पास ऐसे आए ना, किसी पर्सन ने बोला, एक लाइन पूरी इसके रिलेटेड ही होता है कि ये कौन सा है, प्रोफेसर है, किस यूनिवर्सिटी को और कहाँ किस जगह को बिलोंग करता है, तो वो लाइन सारी छोड़ दिया करो, आगे मेन अपना देखा करो कि उसने बोला क्या. रीसेंट इम्पीरिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल पर्सनैलिटी, साइकोलॉजी क्यूमुलेटिवली सजेस्ट दैट पीपल्स एबिलिटी टू रीजन वाइसली वेरियस ड्रामेटिकली क्रॉस एक्सपेरियंशियल एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट. सो ये चीज देखो, कहते जो लेटेस्ट इम्पीरिकल फाइंडिंग, मैंने पहले भी बताया इम्पीरिकल मतलब है जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई है उसमें जो रिजल्ट निकला, उसमें कहते ये बताया. कोग्नेटिव मतलब एक लॉजिकल, वो ग्रोथ कैसी हो रही है बंदे की समाज में, सोशल कितना है वो, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी मतलब उसका दिमाग कैसे यूज हो रहा है, साइकोलॉजी उसकी क्या है, माइंडसेट क्या है, क्यूमुलेटिवली मतलब ये सारी चीजें कंबाइन होके बताती हैं कि एक बंदा जो है उसकी कैसे जो है सही डिसीजन लेता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है कि वो सही डिसीजन लेता है. ये कहते डिपेंड करता है एक्सपीरियंशियल एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर. सो इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कैसे वो पर्सन है डिसीजन लेता है. Understanding the role of such contextual factors offer unique insights into understanding wisdom in daily life. अगर कहते हम समझ ले वे जो contextual factor है, यही जो social personality psychology है, क्या कौन से समाज को आप belong करते हो, कैसी development हो रही है, कैसी आपकी bringing up है, ये सारी चीजों के अगर factors को आप अच्छे से समझ लो तो आपको कहते unique insight मतलब उसकी और गहराई पता लगेगी कि कैसे जो है wisdom डेली लाइफ में हम समझ सकेंगे उसको, प्लस हाउ इट कैन बी इनहेंस्ड एंड टोर्ड, एंड ये भी समझ पाएंगे कि जो समझदारी है इसको और कैसे बढ़ाना है और किसी और को भी कैसे सिखाना है. सो इसका देखेंगे आंसर. Grossman ने क्या बोला है, एबिलिटी टू मेक वाइज डिसीजन इट कैन वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये इसने नहीं बोला जी कि एक पर्सन के पास कम है दूसरे के पास ज्यादा हो सकती है, पर्सन्स का तो देखो कंपैरिजन ही नहीं आया ना अभी तक. अर्लियर रिसर्च इनटू इट वाज बेस्ड ऑन अनबिलीवेबल डाटा. सो यहाँ पे लिखा है प्रीवियसली इमेजिन्ड, सो पहले की बेसिकली मतलब जो सोचा गया था, बट अर्लियर रिसर्च की बात हुई है नहीं. सो आंसर विल बी, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ. द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन इन्फ्लुएंसेस ऑन इट वॉज अंडर एस्टिमेटेड. सो ये देखो बात, इट अपीयर्स दैट, पहली लाइन में ही बताया है कि जो एक्सपेरियंशियल सिचुएशनल कल्चरल फैक्टर्स हैं बहुत कहते मेन रोल अदा करते हैं एक बंदे की समझदारी को शेप करने में देन प्रीवियसली इमेजिन्ड. सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा है पावरफुल, सर्टेन इन्फ्लुएंसेस यहाँ पे लिखा है ये तीन, ठीक है, फैक्टर्स. इट ऑन इट वॉज अंडर एस्टिमेटेड मतलब उनको इतना नहीं ज्यादा समझा जाता था, देन प्रीवियसली इमेजिन. सो
सी इज द आंसर. वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी डिफाइन, देखो ब्रांचेस की तो बात ही नहीं आई साइकोलॉजी की, सो आंसर विल बी, ये भी मैं क्या कर दूँ, डिलीट कर दूँ, सो आंसर विल बी सी. अकॉर्डिंग टू थर्ड पैराग्राफ, सो दिस इज माई थर्ड पैराग्राफ. ग्रोसमैन क्लेम, ग्रोसमैन दावा करता है कि लेवल ऑफ विजडम, भी कितनी समझदारी है इसका जो लेवल है, एन इंडिविजुअल शोज डैश. सो देखते हैं, इट सीम्स दैट इट इज नॉट सो मच दैट सम पीपल सिंपली पोजेस विजडम एंड अदर्स लैक इट. कहते ये इतना ईजी नहीं है कि कुछ लोगों के पास समझदारी है और कुछ लोग बेचारे ना समझें. बट दैट एबिलिटी टू रीजन वाइजली डिपेंड्स ऑन अ वेराइटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं, समझदारी वाले डिसीजन लेते हैं, ये कहते कितने ही बाहर के जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू करेक्टराइज थॉट प्रोसेसेस, भी हमारा दिमाग चलता कैसे है, भी कैसे हम सोचते हैं, किस रीजन को कैसे जोड़ते हैं. कहते ये जो थॉट प्रोसेसेस है ना, एट्रीब्यूटेड टू विजडम, इसी से जो है विजडम पैदा होती है, विदाउट कंसिडरिंग द रोल ऑफ कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स. कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स को बिना छेड़े, ये ग्रोसमैन ने बोला. इन अदर वर्ड्स, अगर और शब्दों में बात करूँ तो विजडम इज नॉट सोलली ऑन इनर क्वालिटी. सो जो समझदारी है, सोलली का मतलब होता है ओनली, ये ज्यादातर रीडिंग में ऐसे ही आते हैं सिनोनिम्स, सो जान लीजिए सोलली का मतलब है ओनली. सो विजडम सिर्फ इनर क्वालिटी नहीं है बंदे की, बट रैदर अनफोल्ड्स अ फंक्शन ऑफ सिचुएशन पीपल हैपन टू बी इन, कि कैसे हालातों में वो बंदा है. कहते इस पे भी डिपेंड करता है. सम सिचुएशंस आर मोर लाइकली टू प्रमोट विजडम देन अदर्स. कहते काफी जो हालात होते हैं वो लोगों को प्रमोट करते हैं विजडम, मतलब समझदार बना देते हैं देन अदर्स. आपने ये चीज तो सुनी होगी, जो मुश्किल हालात होते हैं बंदे के, कहते वो बंदे को बंदा बना देते हैं, मतलब समझदार बना देते हैं. सो ये उसी के ऊपर काफी रिलेट कर रहे हैं चीज. सो क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं. ग्रोसमैन दावा करता है कि लेवल ऑफ विजडम एंड विजुअल शोज की क्या बताती है, कैन बी ग्रेटर देन दे थिंक इट इज, ज्यादा है कम है ये बात नहीं की ग्रोसमैन ने. विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस, अलग सर्कमस्टांसिस में अलग होगी, ये बात है जी. इसने यही बताया है कि कुछ सिचुएशंस जो हैं ज्यादा समझदार बनाते हैं देन अदर्स. सो हालातों की बात की है उसने. सिचुएशन यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया सर्कमस्टांसिस, ये सिनोनिम्स है. सो बी इज द आंसर. बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं. मे बी डिटरमिंड बाय पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, उस बंदे की जो पर्सनैलिटी है ना, उसकी जो कहते हैं एक पर्टिकुलर जो पहलू है, उस वो भी बता सकता है. पर्सनैलिटी की तो बात ही नहीं आई. डीज शुड डेवलप ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस. लाइफ एक्सपीरियंस की बात नहीं आई. सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज बी. देखो मैंने दूसरे जो ऑप्शन है ना इतने देखे नहीं. लाइफ एक्सपीरियंस देखा, इसकी बात नहीं हुई क्रॉस. एस्पेक्ट एंड पर्सनैलिटी की बात नहीं आई क्रॉस. ठीक है, सो ज्यादा नहीं सोचना होता. जो आप अगर आप पढ़ लें एक बार तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा. एंड पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में जो है 5 मिनट बचा लो, वही जो 5 मिनट आप थर्ड पैसेज में लगाओ तो आंसर आएंगे. क्योंकि चक्कर ये है कि बच्चों के थर्ड पैसेज में वो कर तो लेते हैं, आंसर ज्यादा सही नहीं होते. अगर थर्ड में आंसर हमारे ठीक आ जाए तो हमारा ओवरऑल स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा. क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन फिफ्थ पैराग्राफ. सो ये है जी फिफ्थ पैराग्राफ. ग्रोसमैन एंड हिज कोलीग्स हैव आल्सो फाउंड दैट वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल वेज टू सपोर्ट विजडम, सबसे काइंड ठोस सबूत जो है विजडम को डिस्क्राइब करने का, सपोर्ट करने का, इज आर ओन डे टू डे डिसीजन. हमारे रोजाना जिंदगी के जो हम डिसीजन लेते हैं वो कहते एक मेन जो है तरीका है. Is to look at scenarios from a third party's perspective. कहते तीसरे बंदे के जो हम समझ है ना उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें भी हम कैसे डिसीजन ले रहे हैं तो हम बता सकते हैं विजडम के बारे में ज्यादा. As though giving advice to a friend, जैसे कि हम सलाह देते हैं अपने फ्रेंड को. Research suggests that opting a first person viewpoint, we focus on the focal feature of the environment. जब फर्स्ट बंदे का व्यू पॉइंट देखते हैं तो हम सिर्फ मेन मेन सिचुएशन के
करेक्टर देखते हैं। वेन वी अडॉप्ट द थर्ड पर्सन ऑब्जर्वर, थर्ड पर्सन जो कि ऑब्जर्वर है, जिसने उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जस्ट वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसका व्यू पॉइंट देखेंगे तो वी रीजन मोर ब्रॉडली एंड फोकस मोर ऑन इंटरपर्सनल एंड मोरल आइडियल्स। कहते हैं इससे अगर हम थर्ड पर्सन का व्यू पॉइंट सोचें तो हम रीजन कर पाएंगे ज्यादा ब्रॉडली एंड फोकस कर पाएंगे इंटरपर्सनल एंड मोरल आइडियल्स को, सच एज जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी। डिस्क्राइब इन फिफ्थ पैराग्राफ, डिफिकल्टी इनकाउंटर्ड व्हेन अटेम्प्टिंग टू रीजन, डिफिकल्टी की तो बात नहीं आई जी, डिफिकल्ट वर्ड ही नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ पर्सन, टाइप ऑफ पर्सन की तो बात ही नहीं आई जी, सो क्रॉस। अ कॉन्ट्रोवर्शियल व्यू अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रीजनिंग वाइसली, कॉन्ट्रोवर्सी तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं यूज किया पैसेज में। देखो मैं पढ़ भी नहीं रही, जस्ट वर्ड देखो वहां पे है नहीं है, दैट्स इट। अ रेकमेंडेड स्ट्रेटजी, सो रेकमेंडेड स्ट्रेटजी एडवाइस की बात की है, यहाँ पे रेकमेंड है, यहाँ पे एडवाइस की कहीं बात थी। थर्ड पार्टी परस्पेक्टिव एज दो गिविंग एडवाइस टू अ फ्रेंड, सो एडवाइस मतलब रेकमेंडेशन। सो ये कहते एक तरीका है दैट कैन हेल्प पीपल टू रीजन वाइसली, सो सपोर्ट विजडम, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 31 to 35, सो हेयर इट्स रिटन कम्प्लीट द समरी, जब भी समरी हो तो इसको पढ़ लो अच्छे से, फिलिंग द ब्लैंक के आगे क्या लिखा है एंड उसके बाद में वाला वर्ड जो होता है उसको ध्यान से पढ़ना है ताकि हमें सही आंसर मिले। एंड ऑल्सो वी आर गिवन अ बॉक्स इन विच वी हैव टू फाइंड द सिनोनिम फॉर आवर ट्रू आंसर, सो जो भी आंसर मिलेगा पैराग्राफ में से उसका सिनोनिम मैंने ढूंढना है। सिनोनिम क्या होता है, वर्ड अलग होंगे मीनिंग सेम होगा, जैसे पैराग्राफ में लिखा है इनक्लाइन, यहाँ पे इनक्रीज लिखा हो ऐसा। करैक्टरिस्टिक ऑफ वाइस रीजनिंग, सो ग्रॉसमैन ने कोलीग्स ने हैव एस्टेब्लिश फोर करेक्टर्स बताए हैं विच अनेबल अस टू मेक वाइस डिसीजन, जिसके हिसाब से हम सही जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव सर्टेन डिग्री ऑफ, ये जरूरी है हमारे पास कुछ लेवल ऑफ डैश हो रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ आर नॉलेज, हमारी नॉलेज के रिलेटेड कुछ लेवल का डैश हो। सो इट्स रिटन ग्रॉसमैन एंड उसके कोलीग्स ने जो है आइडेंटिफाई किए हैं की करेक्टरिस्टिक्स, ये ऑलरेडी मेरे फर्स्ट लाइन में लिखा गया है। वन इज इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी और रिकॉग्निशन ऑफ द लिमिट्स ऑफ आर ओन नॉलेज, तो यहाँ पे आ गया जी नॉलेज वर्ड आ गया मेरा, लिमिट्स को क्या लिख दिया रिगार्डिंग टू एक्सटेंट, सो ये वर्ड आ गया। सो एक्सटेंट के आगे आप उन्होंने क्या क्या है, क्या वर्ड होगा, ह्यूमिलिटी और रिकॉग्निशन ऑफ लिमिट्स, सो रिगार्डिंग द एक्सटेंट को क्या लिख दिया उन्होंने, रिकॉग्नाइजिंग द लिमिट्स, आंसर मेरा क्या आएगा ह्यूमिलिटी। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ ह्यूमिलिटी, ठीक है, रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ आर नॉलेज। ह्यूमिलिटी का हम ऑप्शन देखेंगे, सिनोनिम देखेंगे, ओपिनियन कॉन्फिडेंस मोडेस्टी इज द आंसर। मोडेस्टी वैसे है क्या चीज, मोडेस्टी ह्यूमिलिटी इज द वर्ड, इसका मतलब है कि कोई बंदा है जो बहुत अच्छा है, वो अच्छे काम कर रहा है जिंदगी में, पर उसको उस चीज का घमंड नहीं है, ठीक है, उसको उस चीज का कोई गुमान नहीं है, लैक ऑफ प्राइड, सो आंसर हियर विल बी डी। टू टेक इनटू अकाउंट डैश विच मे नॉट बी सेम एज आर ओन, और कहते ध्यान रखना है डैश का जो कि जरूरी नहीं है सेम हो जैसे कि हमारा हो, सो आगे पढ़। एंड अनदर इज एप्रिशिएशन ऑफ पर्सपेक्टिव्स, सो अनदर इज एप्रिशिएशन, सो एक तो हो गया ह्यूमिलिटी एंड दूसरा टू टेक इनटू अकाउंट, दूसरी चीज को क्या देना है देखना है, अनदर इज एप्रिशिएशन ऑफ पर्सपेक्टिव, ठीक है, व्यू पॉइंट, सेंसिटिविटी टू द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन सोशल रिलेशन इज ऑल्सो की, सो ये आ गया अलग से। Along with compromise and integration of different attitudes and beliefs. So, यहाँ पे देखो, here it's written कहते
रिस्क जो होता है ना कि हो सकता है कि चेंज हो समाज में, हमारे जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो, वो कहते हैं कि मेन रीजन है। इसके साथ ही कहते कॉम्प्रोमाइज करना, इंटीग्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन डिफरेंट एटीट्यूड्स का एंड बिलीफ का। बिलीफ का मतलब क्या है, सोचना समझना। सो हेयर इट्स रिटन एंड टू टेक इनटू अकाउंट डैश विच मे नॉट बी सेम एज आर ओन। सो एटीट्यूड या बिलीफ होगा इसका आंसर, मतलब डिफरेंट लिखा है ना, जो हमारे डिफरेंट मीन्स हमारे जैसा ना हो। सो बिलीफ एंड एटीट्यूड का सिनोनिम देखेंगे ओपिनियन। ओपिनियन मतलब बिलीव। सो ए इज द आंसर। टेक इनटू अकाउंट ओपिनियंस विच मे नॉट बी द सेम एज आर्स। सो हमेशा ना जब भी आपको आंसर मिले उस आंसर को पूरे सेंटेंस के साथ पढ़ के देखो, अगर तो सेंस बन रही है फॉर श्योर आंसर इज करेक्ट। वी शुड ऑल्सो बी एबल टू टेक अ ब्रॉड डैश ऑफ एनी सिचुएशन। सो ब्रॉड वर्ड देखना है एंड सिचुएशन देखना है। The research suggests that when adopting third first person viewpoint, we focus the focal feature of the environment. And when we adopt, जब हम third person का जो कि observer है उसका viewpoint देखते हैं, we reason more broadly and focus more on interpersonal and more moral ideals such as justice and impartiality. तो हम और भी जो है opinions aspect को देखते हैं जब हम तीसरे बंदे की सलाह लेते हैं। Looking at problems from this more expansive viewpoint. Expansive का भी क्या मतलब है, wide. So कहते हैं किसी भी मुसीबत को अगर हम वाइड जो व्यू पॉइंट है उससे हम देखें, अपीयर्स टू फोस्टर इंक्रीज, ये क्या करती है, बढ़ाती है हमारे लॉजिकल प्रोसेस को रिलेटेड टू वाइज डिसीजन, मतलब हमें बेटर करती है कि हम सही डिसीजन लें। फोस्टर मतलब इंक्रीज, कॉग्निटिव मतलब लॉजिकल। सो व्यू पॉइंट आ गया जी एक्सपेंसिव के आगे। सो एक्सपेंसिव मतलब बड़ा। हेयर पी ए एन है, ठीक है, पीई एन वाला एक्सपेंसिव वो होता है महंगा, एक ई एक्स पी एन एस आई वी क्या होता है कि बड़ा, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव। हेयर इट्स ऑल्सो रिटन वी शुड ऑल्सो बी एबल टू टेक अ ब्रॉड डैश ऑफ एनी सिचुएशन। सो ब्रॉड का कीवर्ड है हमारे पास यहाँ पे, ब्रॉड का सिनोनिम है हमारे पास सी, व्यू। सो सी इज द आंसर। अगेन इन द सेम पैराग्राफ हेयर इट्स रिटन ग्रोसमैन मानता है कि ये बेटर है टू रिगार्ड सिनेरियोज विद डैश। सो हेयर इट्स रिटन रिसर्च सजेस्ट दैट जब हम फर्स्ट बंदे का जो व्यू पॉइंट देखते हैं, वी फोकस ऑन फोकल फीचर ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का इन्होंने सिनोनिम लिखा है सिनेरियोज। सो क्या देखना है हमने, इट इज बेटर टू रिगार्ड सिनेरियोज विद फोकल फीचर, मतलब मेन फीचर। सो फोकल फीचर का सिनोनिम है यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी, मकसद, एम। सो एफ इज द आंसर। इट इज बेटर टू रिगार्ड सिनेरियोज विद ऑब्जेक्टिविटी बाय अवॉइडिंग द फर्स्ट पर्सन। अभी उसने कह दिया कि फर्स्ट पर्सन को अगर हम अवॉइड करो, वी फोकस मोर ऑन डैश, हम ज्यादा किसके ऊपर फोकस कर पाएंगे, डैश। When we adopt third person, मतलब observer का view point देखते हैं, we reason more broadly and focus more on interpersonal and moral ideas, जैसे कि justice and impartiality. So, अन्याय के लिए हम ज्यादा सोच पाएंगे अच्छे तरीके से, and कोई भेदभाव ना हो इसके बारे में भी अच्छे से सोच पाएंगे। We focus more on fairness. Here it's written fairness, here it's written justice. So answer is G. आगे लिखा है and on other moral values. So आगे आ गया moral values, which in turn leads to wiser decision making. Here it's written foster cognitive process related to wiser decision. So G is the answer.
क्वेश्चन 36 to 40 आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन. स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द जॉब प्रोस्पेक्ट एक्सपेरिमेंट, बच्चों ने जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया, कुड चूज वन और ऑफ टू परस्पेक्टिव टू टेक, दो में से एक ही परस्पेक्टिव उन्होंने चूज करना था. सो फॉर एग्जाम्पल इन वन एक्सपेरिमेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीक ऑफ रिसेंट इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक जो रिसेशन चल रहा था तब कहते लिया ये एक्सपेरिमेंट. ग्रेजुएटिंग कॉलेज सीनियर से उनको पूछा गया टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर जॉब प्रोस्पेक्ट, अपने जॉब के जो प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में है ना बताओ. द स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू इमेजिन देयर करियर आइदर एज इफ यू वर अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर, उनको बताया गया कि आप ऐसे देखना है या तो आप देखो कि अपना करियर के बारे में देखो एज अ विथ थर्ड पर्सन आपके करियर के बारे में कैसा सोच रहा है, बिफोर योर ओन आईज एज इफ यू वर राइट देयर, और या फिर ऐसे सोचो कि आप उसके बारे में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपसे है या आप कैसे सोच रहे हो. पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप असाइन टू द डिस्टेंट ऑब्जर्वर रोल प्लेड मोर विजडम रिलेटेड रीजनिंग, सो उसने ज्यादा समझदारी वाली रीजनिंग दी. बट देखो यहाँ पे है स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग, सो स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द जॉब प्रोस्पेक्ट एक्सपेरिमेंट, सो इसके रिलेटेड ही था एक्सपेरिमेंट. कुड चूज वन ऑफ टू परस्पेक्टिव टू टेक, दोनों में से एक परस्पेक्टिव ले सकते थे. सो यहाँ पे तो परस्पेक्टिव लेने की बात नहीं की, यहाँ पे क्या किया है उन्होंने कि उन्होंने रिफ्लेक्ट करना है, बताना है अपना जॉब प्रोस्पेक्ट. परस्पेक्टिव होता कि वो क्या सोचते हैं, ठीक है. सो तो स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू इमेजिन देयर करियर, अपना भी करियर सोचो या तो कि थर्ड पर्सन कैसे सोच रहा है, और बिफोर योर ओन आइज या फिर आप उसके बारे में क्या सोचते हो. सो यहाँ पे लिखा है एक ही चूज करना था, सो ऐसा कुछ नहीं लिखा, सो आंसर विल बी फॉल्स. पार्टिसिपेंट्स इन कपल एक्सपेरिमेंट वर अवेयर दैट दे वर टेकिंग पार्ट इन स्टडी अबाउट वाइस रीजनिंग. जो कपल्स है ना वो जो पार्टिसिपेट कर रहे थे कहते उनको पता था कि वो ऐसे स्टडी में हिस्सा ले रहे हैं जो कि संबंधित है वाइज रीजनिंग के रिलेटेड स्टडी है. ये भी कपल्स इन लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप, कपल जो लंबे समय तक रिलेशनशिप में है, वर इंस्ट्रक्टेड टू विजुअलाइज एन अनरिजॉल्व्ड रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, कि वो ऐसे इमेजिन करे कोई ऐसी उनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है जो कि अभी तक सुलझी नहीं है. आइदर थ्रू आइज अपने मतलब खुद ब खुद देखो या फिर आइज ऑफ एन आउटसाइड, या तो फिर कहते थर्ड पर्सन मतलब आउटसाइडर उस चीज को कैसे सोचेगा ऐसे देखो, और फ्रॉम देयर ओन परस्पेक्टिव या फिर अपने परस्पेक्टिव के हिसाब से सोचो. पार्टिसिपेंट्स देन डिस्कस्ड, सो ये तो नहीं लिखा. कपल्स इन द अदर आइज कंडीशन वर सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू रिलाई ऑन वाइस रीजनिंग. सो यहाँ पे देखो पार्टिसिपेंट्स इन कपल एक्सपेरिमेंट तो है, वर अवेयर ये तो लिखा ही नहीं कि ये उनको पता था या नहीं पता था, सो ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है कि ये जो ये तो देखो श्योर है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वाइस रीजनिंग के ऊपर है, बट पार्टिसिपेंट्स को पता था नहीं पता था कुछ भी नहीं लिखा, सो आंसर विल बी नॉट गिवन. सेम आगे भी कपल एक्सपेरिमेंट पे है, इन द कपल एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ द कपल्स रिलेशनशिप had an impact on the result. कपल्स का रिलेशनशिप का टाइमिंग था ना भी, 4 साल का रिलेशन है, 2 साल का रिलेशन है, कुछ महीनों का रिलेशन है, कहते इसने इसके हिसाब इसने ना इम्पैक्ट किया रिजल्ट के ऊपर. सो देखते हैं पार्टिसिपेंट देन डिस्कस द इंसिडेंट विद देयर पार्टनर फॉर 10 मिनट्स आफ्टर विच दे रोट डाउन देयर थॉट्स अबाउट इट. उन्होंने वो प्रॉब्लम के बारे में अपने पार्टनर से बात की 10 मिनट के लिए, फिर उसके बारे में लिखा एक पेज के ऊपर. कपल्स इन द आउटसाइड अदर्स आइज कंडीशन वर्क सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू रिलाई ऑन वाइज रीजनिंग. अगर थर्ड पर्सन के हिसाब से कहते देखो तो कपल्स जो थे वो वाइज रीजनिंग उन्होंने दी, समझदारी वाली दी बातें.
recognizing others' perspective and searching for a compromise compared to the couples. फिर उन्होंने others का perspective देखा, फिर उसको search किया, compromise इकट्ठा किया, compare किया to the couples of egocentric condition. So जिस egocentric मतलब जो अपनी ego को काफी तवज्जो देते हैं, so उनके साथ compare किया. So यहाँ पे भी again लेंथ ऑफ कपल्स रिलेशनशिप की बात नहीं हुई, कपल्स एक्सपेरिमेंट की बात हुई या रिलेशनशिप है, बट लेंथ की तो बात ही नहीं हुई. ठीक है, अगेन क्वेश्चन मार्क, आंसर विल बी नॉट गिवन. इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स द पार्टिसिपेंट्स हु लुक्ड एट द सिचुएशन फ्रॉम अ मोर डिटैच्ड व्यू पॉइंट टेंडेड टू मेक वाइसर डिसीजन. डिटैच्ड मतलब थर्ड पर्सन जो ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से अगर सोचते हैं तो उन्होंने ज्यादा कहते समझदारी वाले डिसीजन लिए. यहाँ पे लिखा था कपल्स वाले में पार्टिसिपेंट्स देन डिसाइडेड द इंसिडेंट विद द पार्टनर फॉर 10 मिनट्स आफ्टर विच दे रोट डाउन देयर थॉट्स. कपल्स विद अदर आईज कंडीशन मतलब यहाँ पे लिखा है हु लुक्ड एट द सिचुएशन फ्रॉम अ मोर डिटैच्ड व्यू पॉइंट मतलब थर्ड पर्सन. सो ये आ गया वर सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू रिलाई ऑन वाइज रीजनिंग. उन्होंने वाइज रीजनिंग दी. ठीक है, टेंडेड टू मेक वाइजर डिसीजन. सो ये आ गया एक एक्सपेरिमेंट. पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप असाइन टू डिस्टेंट ऑब्जर्वर रोल डिस्प्लेड मोर विजडम रिलेटेड रीजनिंग. सो जो डिस्टेंट रिलेटेड है मतलब थर्ड पर्सन के व्यू से उन्होंने देख समझा सिचुएशन को, तो उन्होंने ज्यादा कहते विजडम रिलेटेड रीजनिंग दी. सो दोनों का रिजल्ट सेम है. सो आंसर विल बी ट्रू. इन बोथ एक्सपेरिमेंट दोनों एक्सपेरिमेंट की बात है, पार्टिसिपेंट्स की बात है, हु लुक्ड एट सिचुएशन फ्रॉम अ मोर डिटैच्ड व्यू पॉइंट. सो डिटैच्ड मतलब थर्ड पर्सन ऑब्जर्वर, डिस्टेंट ऑब्जर्वर यहाँ पे लिखा है, सिनोनिम्स लिखे हुए हैं. सो डिटैच्ड व्यू पॉइंट है, मेक वाइसर डिसीजन है, ये भी मिल गया, आंसर विल बी ट्रू. मैन बिलीव्स दैट अ पर्सन्स विजडम is determined by their intelligence to only a very limited extent. Postman सोचता है कि एक person की समझदारी किसके ऊपर है, ये कहते बहुत कम depend करता है कि वो कितना intelligent है. We might associate wisdom with intelligence or particularly personality trait कि एक wisdom जो है एक बंदे की quality है, but research shows only a small positive relationship between wise thinking मतलब wisdom and crystallized intelligence. So intelligence की बात आ गई. A small positive relation मतलब only a very limited extent. So here it's written a person's wisdom की भी बात आ गई. So ये Grossman ही बोल रहा है सारा कुछ. ठीक है, ये देखो एंड में लिखा है Grossman explains. तो इसने बोला है कि बहुत कम पॉजिटिव रिलेशनशिप है एक समझदारी का और इंटेलिजेंस का. कीवर्ड सारे मिल गए हैं तो आंसर आएगा हमारा ट्रू. सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर.